Hello aspirants, this is Ahir and welcome you back to SSB Crack Exams, your one-stop destination for all defense related examinations. You name it, we have it. A very pleasant good morning to each and every one of you. Sabhi ko jayan bachon. Patafat se jud jao, baki ke students ke sanpe link share karo. Nikhil, Raghav, Sachin, Arnav, Tripti, Shukla, Shivam, Pandit, Shailesh, Yadav, Gagandeep, Sohan, Muskan, Bibhav Singh. Okay. स्मृति अभिषा चौधरी पूरण चंद्र चौधरी ओके जुड़ जाओ बच्चों आज 8 जुलाई जो कुछ भी इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर्स और अपडेट्स हैं उन सभी को कवर करने की कोशिश करते हैं ठीक है तो जैसे कि आप सभी को पता है कि एसएसबी क्रैक एग्जाम इज इंडियाज लार्जेस्ट ऑनलाइन पोर्टल फॉर डिफेंस रिलेटेड एग्जामिनेशन वी प्रोवाइड यू विद वीडियो लेक्चर जबरदस्त से कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के साथ होते हैं डेली करंट अफेयर्स डेली डिफेंस अपडेट्स लाइव क्लास आपको देखने को मिल जाएंगी स्टडी प्लान स्टडी नोट्स बहुत ही क्रिस्प और क्लियर होते हैं अपडेटेड हमारा सिलेबस होता है जो कोई भी रिक्रूटिंग एजेंसी है उसके स्टैंडर्ड क्वेश्चन पेपर पैटर्न सिलेबस पैटर्न को फॉलो करके ही सब कुछ बनाया जाता है मॉक टेस्ट की फैसिलिटी भी अवेलेबल है बच्चों एंड थ्रू रैंक एनालिसिस हम ही बता देंगे कि वेयर आर यू एक्चुअली स्टैंडिंग और आपको इन सभी को ऑफलाइन एक्सेस भी मिल जाएगा डाउनलोड कीजिएगा एसएसबी क्रैक एग्जाम्स ई लर्निंग ऐप लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा तो दिस आर ऑल द कोर्सेस एक बार जाकर जरूर चेकआउट करो बच्चों एनडीए सीडीएस एफकैट और एसएसबी इंटरव्यू से रिलेटेड भी फुल फ्लेज ऑनलाइन कोर्स अवेलेबल है ठीक है बहुत ही अफोर्डेबल प्राइसेस में हर महीने इसके नए बैचेस स्टार्ट होते हैं टेस्ट सीरीज की फैसिलिटी भी अवेलेबल है जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही सिलेक्शन होने के चांसेस भी ज्यादा होंगे और सब्जेक्ट का रिविजन भी हो जाएगा जो थंबनेल में इमेज देख रहे हैं बच्चों वो शिव नदार जी के वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड प्रोमिनेंट बिजनेसमैन ऑफ इंडिया ठीक है एचसीएल टेक्नोलॉजीज के एमडी और चेयरमैन भी हैं शिव नदार बहुत ही प्रोमिनेंट पर्सन है सो लेक्चर का पीडीएफ सबसे पहला तो ऐप में ही मिल जाएगा जब आप हमारे ऐप पर डाउनलोड करके कोई कोर्स या बंडल खरीदोगे देयर विल फाइंड डेली करंट अफेयर्स एंड डिफेंस अपडेट्स दूसरा हमारे वेबसाइट ssbcrackexams.com से भी आप इसे फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं एंड वॉरियर टेन इज अ कोड विच यू शुड यूज सो दैट यू गेट 10% डिस्काउंट ओके शैल वी बिगिन हाउ इज द जोश बच्चों ओके गुड मॉर्निंग बच्चों सभी को गुड मॉर्निंग जय हिंद लगाओ फ्लावर फायर जो कुछ भी हो कहां पर है बाकी के बच्चे सो रहे हैं क्या आज तो फ्राइडे है वीकेंड भी नहीं है ओके अगर आपको लेक्चर पसंद आए लाइक और शेयर जरूर कर देना चैनल पर नए हो डू सब्सक्राइब एंड स्प्रेड द वर्ड अबाउट एसएसबी क्रैक एग्जाम्स क्वेश्चन ऑफ द डे हमने पूछा हुआ था इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वर्क्स अंडर ये ऑब्वियसली ही था इसमें कुछ सोचने का भी ज्यादा नहीं था द करेक्ट आंसर इज मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल 1954 में इसे एस्टैब्लिश किया गया था बच्चों कल ही हमने देखा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेमोरियल अवार्ड जो है ना इन द फील्ड ऑफ एकेडमिक एक्सेलेंसी फॉर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन अनाउंस किया गया था तो अब से हर साल वो दिया जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल ओके मूविंग टुवर्ड्स अ वेरी फर्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट कल नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ऑन इम्यूनाइजेशन ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा रिकमेंडेशन दिया हुआ था और सरकार ने उसे एक्सेप्ट भी किया बच्चों तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने कल एक नोटिफिकेशन जारी किया कि जो प्रिकॉशनरी डोज की हम बात कर रहे थे यानी कि तीसरा बूस्टर जो जिसे हम कह रहे थे जो अब तक सिर्फ सीनियर सिटीजन के लिए ही था हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए था अब सरकार ने खुशखबरी सुनाई कि 6 महीने अगर सेकेंड वैक्सीन खत्म होने के बाद 6 महीने अगर कंप्लीट हुए हैं तो आप भी जाकर तीसरा बूस्टर वैक्सीन लगवा सकते हैं अगर आप 18 साल के ऊपर है तो यानी कि अब यूनिवर्सली भी अवेलेबल होगा 18 साल के ऊपर जो कोई भी हो वो 6 महीने के गैप के बाद सेकेंड डोज होने के 6 महीने के गैप के बाद वो जाकर अपना तीसरा डोज भी लगवा सकता है तो ये कोविड प्रिकॉशनरी डोज इसे कहा जा रहा है क्योंकि आहिस्ता से फिर से केसेस में स्पाइक हमें देखने को मिल रहा है बच्चों कम तादाद में है लेकिन फिर भी केसेस जो है वो रेगुलरली रिपोर्ट हो रहे हैं तो इससे पहले ये 9 महीने का था अब इसे रिड्यूस करके 6 महीने किया गया है तो अगर आपका भी 6 मंथ्स कंप्लीट हुआ है सेकंड डोज के बाद तो मेक श्योर दैट यू आर गेटिंग द बूस्टर डोज और अब तो हम हर घर दस्तक कैंपेन भी शुरू किया हुआ है बच्चों मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ वालों ने कि घर घर जाकर अग्रेसिवली जो है कोविड का वैक्सीनेशन सभी को दे दिया जा रहा है हाँ ये डोज भी फ्री ही है बच्चों ठीक है ये भी फ्री ही है नो इश्यूज एंड नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट आप सभी को भी पता है कि 2022 G20 समिट जो है वो इंडोनेशिया बाली में होस्ट किया जा रहा है तो बाली में ही G20 फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग चल रही है बच्चों तो वहां पर G20 कंट्रीज के सभी फॉरेन मिनिस्टर्स गए हुए थे तो हमारे जयशंकर जी भी गए हुए थे वहां पर तो कल बाली में उनकी मीटिंग हुई थी उनके काउंटर पार्ट यानी कि चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर
व्यंग ई से या फिर वैंग ई, यहाँ पर आप उनकी इमेज भी देख सकते हैं। तो दोनों ने डिस्कशन किया हुआ था कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल ईस्टर्न लद्दाख के साइड जो हमारी झड़प हो रही थी पिछले साल गलवान में भी, जो हमारा झड़प हुआ था एक दूसरे के साथ, तो उससे रिलेटेड जल्द से जल्द जो कुछ भी आउटस्टैंडिंग इश्यूज हैं हमें बहुत ही जल्द रेजोल्यूशन करना पड़ेगा। और जिस तरीके से मोमेंटम के साथ हमने कंप्लीट डिसएंगेजमेंट किया हुआ था, अभी भी थोड़े बहुत झड़प चल रही है बच्चों ईस्टर्न लद्दाख साइड, तो वहां पर जो कुछ भी प्रॉब्लम्स हैं हमें जल्द से जल्द उसे सॉल्व करके रिस्टोर करना चाहिए पीस को और ट्रैंक्विलिटी को बॉर्डर के रीजियन में। और यही कहा जयशंकर जी ने कि जब तक हम बायलैटरल अग्रीमेंट्स और प्रोटोकॉल्स को समझेंगे नहीं सही तौर पर और फुल्ली अबाइड नहीं करेंगे तो दोनों कंट्रीज में भी कंफ्यूजन हमें देखने को मिलेंगे कि हम प्रॉमिस कुछ और चीज कर रहे हैं लेकिन रियलिटी बॉर्डर के पास जाकर हम कुछ दूसरा काम कर रहे हैं। दिस इज वॉट यू नो विच शुड नॉट बी डन। अच्छा, 250 रुपए ले रहे हैं क्या डोज का? ओके, कोई बात नहीं, ऑलरेडी दो तो फ्री दे चुके हुए हैं। और इंडिया चाइना के रिलेशनशिप्स अगर हमें सस्टेन करना है तो लगभग 3 म्यूचुअल्स हमें जो है ना वो फॉलो करने पड़ेंगे। सबसे पहला म्यूचुअल रिस्पेक्ट, दूसरा म्यूचुअल सेंसिटिविटी और तीसरा म्यूचुअल इंटरेस्ट। जब तक हम इन 3 चीजों को म्यूचुअली नहीं रखेंगे, इंडिया चाइना का रिलेशन इसी तरीके से होगा। दिस इज व्हाट दे बोथ हैव सेड। सो लेट अस वेट एंड वॉच के कितना सीरियसली ये लोग इसे फॉलो करते हैं। एंड गोइंग टुवर्ड्स नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट, ये दरअसल आज होने वाला है बच्चों। डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स वाले इसे ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, अरुण जेटली मेमोरियल लेक्चर। दिस विल बी फर्स्ट अरुण जेटली मेमोरियल लेक्चर। आप सभी को भी बताएं, अरुण जेटली जी बहुत एक प्रोमिनेंट पोलिटिकल लीडर थे। हाल ही में ही यू नो पिछले साल उनकी मौत हुई थी। तो प्रायर टू दैट फाइनेंस मिनिस्टर और कई इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियोज भी उन्होंने होल्ड किया हुआ था। अभी भी जो इंडिया की सरकार चल रही है बहुत ही प्रोमिनेंट सा रोल उन्होंने प्ले किया हुआ था उस सरकार की जीत में। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी जो है इस मेमोरियल लेक्चर में पार्टिसिपेट करेंगे बच्चों और वहां पर कीनोट एड्रेस भी देंगे। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, सिंगापुर गवर्नमेंट के एक सीनियर मिनिस्टर थर्मन शन मोगरत्नम साहब, जो कि इंडियन ओरिजिन के ही हैं, तो वो यहां पर आए हुए हैं, वो लेक्चर प्रोवाइड करेंगे बच्चों ग्रोथ थ्रू इंक्लूसिविटी, इंक्लूसिविटी थ्रू ग्रोथ थीम के बेसिस पर। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, 3 दिन का कौटिल्य इकोनॉमिक कॉन्क्लेव रखा गया है दिल्ली में ही, तो वहीं पर जो दिग्गज बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट हैं दुनिया भर के वो आए हुए हैं, तो वहां पर प्राइम मिनिस्टर उन डेलीगेट्स के साथ भी बात करेंगे। सो अरुण जेटली मेमोरियल लेक्चर, लेट अस वेट, शाम में अगर कुछ इंपॉर्टेंट सी चीज होती है उस लेक्चर में तो ऑलरेडी अनाउंस यू। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट, अगर अगस्त अक्टूबर आएगा ना बच्चों तो लगभग पूरा 1 साल खत्म हो जाएगा पीएम गतिशक्ति नेशनल मास्टर प्लान को लॉन्च किए हुए, क्योंकि पिछले ही साल 13 अक्टूबर को हमने लॉन्च किया हुआ था। तो उसी के चलते हुए कल पीयूष गोयल जी, जो कि मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स हैं, उन्होंने एक रिव्यू किया हुआ था कि पीएम गतिशक्ति में क्या क्या अपडेट जो है वो चल रहे हैं। और खासकर हमने ऑलरेडी देखा हुआ था कि 17 डिपार्टमेंट्स और मिनिस्ट्रीज ऑन बोर्ड आ चुके हुए थे पीएम गतिशक्ति के, तो वो 17 मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स कितना अपडेट कर रहे हैं अपने डाटा को, क्योंकि डाटा इंटीग्रेशन से ही तो ये पोर्टल चलेगा ना बच्चों पीएम गतिशक्ति का। हम वन स्टॉप डेस्टिनेशन इसे इंफ्रास्ट्रक्चर क्लियरेंसेस के लिए बनाना चाह रहे हैं, तो सभी इंफॉर्मेशन भी अपडेट होना चाहिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट सा काम तो यही है, तो उसी के ऊपर फास्टर इंटीग्रेशन ऑफ डाटा के ऊपर ही ये रिव्यू मीटिंग रखी गई थी। और लगभग रिव्यू में यह कहा गया कि 900 डाटा के लेयर्स ऑलरेडी अपडेट किए गए हैं सेंट्रल मिनिस्ट्रीज के द्वारा, और 316 एसेंशियल जो कोई भी डाटा के लेयर्स हैं जो स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज के भी आने हैं, अब वो भी जो है स्पेसिफिकली अपडेट किए गए हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, अलग अलग डिपार्टमेंट्स के साथ भी बात की जा रही है कि पहले आप जो कुछ भी प्रोजेक्ट प्रपोज किए जा रहे हैं उसे आप डिजिटली मैप कीजिएगा, सब कुछ डिजिटल ही यहां पर होना चाहिए, यानी कि ऑनलाइन ही होना चाहिए। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, स्टेट लेवल में भी जो इंस्टीट्यूशनल अग्रीमेंट्स हुए थे उसे भी प्रोग्रेस का रिव्यू किया गया था बच्चों। अगर आपको याद हो तो एक एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज बनाई गई थी जो A to Z प्लान ऑफ एक्शन बनाने के लिए काम कर रहे थे, तो वो अपना दौरा भी कर रहे हैं पूरे 32 यूनियन स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में। तो 29 अमॉन्ग देम हैव बीन एबल टू फॉर्मुलेट देन और टेक्निकल नेटवर्क प्लानिंग एंड टेक्निकल सपोर्ट यूनिट। तो लगभग सभी स्टेट्स ने भी अपने स्टेट लेवल पर इनिशिएटिव्स लाए हुए हैं ताकि इस पीएम गतिशक्ति मॉडल पर काम कर सके। इंपॉर्टेंट है बच्चों नेशनल मास्टर प्लान फॉर मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी। एंड नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट इज, ये भी आज ही होने वाला है, हरियाली महोत्सव, ठीक है, ग्रीनरी फेस्टिवल भी आप कह सकते हैं। तो ये दरअसल हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज जो है ना वो
सेलिब्रेट करेगा बच्चों, आज ही है ये, 10:30 बजे शायद कुछ लॉन्च करने वाले हैं। तो प्लांटेशन के ड्राइव्स किए जाएंगे पूरे देश भर में, अब जो कि आजादी के अमृत महोत्सव हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो 75 इज लकी नंबर फॉर अस, तो 75 नगर वंश, 75 पुलिस स्टेशन, 75 स्कूल्स खासकर दिल्ली और एनसीआर के रीजन में, और 75 डिग्रेडेड प्लांटेशन साइट्स जो अलग अलग स्टेट्स में आइडेंटिफाई किए गए हैं, वहां पर प्लांटेशन के ड्राइव्स किए जाएंगे, फॉरेस्टेशन अगर मैं कह सकूं, तो प्लांट्स वगैरह वहां पर लगाए जाएंगे। और इसी कैंपेन को इन्होंने हरियाली महोत्सव का नाम दिया गया है। और ये क्यों कर रहे हैं बच्चों, आप सभी को भी पता है कि ग्रीनरी कितनी इंपॉर्टेंट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट में, वो लोगों के बीच अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए ये हरियाली महोत्सव जो है वो सेलिब्रेट किया जा रहा है। एंड नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट अपडेट इज, लगभग 2 साल कोविड की वजह से बहुत ही कम पिलग्रिम्स जा रहे थे और सऊदी अरेबिया भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा था बच्चों, लेकिन अभी थोड़ी बहुत अच्छी खासी तादाद के साथ लगभग 1 मिलियन पिलग्रिम्स फ्रॉम अक्रॉस द वर्ल्ड उन्होंने अपने 5 दिन के हज का दौरा जो है वो शुरू किया हुआ है बच्चों। सऊदी अरेबिया में वो सभी गए हुए थे, तो मक्का होली सिटी है, 5 इंपॉर्टेंट फंडामेंटल्स में से एक है मुसलमानों के लिए हज की यात्रा। तो वहां पर लगभग 1 मिलियन पिलग्रिमेज जो है ना वो ऑलरेडी 5 दिन का पूरा प्रोसेस चलता है हज का। वैसे तो संडे बकरीद है बच्चों, वो तो मेन एक दिन है, लेकिन उसके आसपास के 2-3 दिन भी सेलिब्रेट किया जाता है, तो पूरे 5 दिन का प्रोसेस होता है। तो वहां पर एनुअल पिलग्रिमेज चालू हो चुकी हुई है, तो लगभग इंडिया से भी लगभग 79,000 से भी ज्यादा पिलग्रिमेज इस बार पार्टिसिपेट कर रहे हैं बच्चों, और पिछले 2 साल में सबसे ज्यादा माने जा रहे हैं, क्योंकि कोविड की वजह से बहुत ही कम तादाद में यहाँ पर लोग जा रहे थे। तो सऊदी अरेबिया की, किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया की सरकार ने भी क्लैरिफिकेशन दिया कि लगभग जो प्रिकॉशन जो ऑलरेडी दोनों डोजेस ले चुके हुए हैं, यानी कि फुल्ली वैक्सीनेटेड है, क्योंकि अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए गए हैं, तो फुल्ली वैक्सीनेटेड होने चाहिए और 65 ईयर्स के कम ही होने चाहिए, हमने ऐसे ही लोगों को सेलेक्ट किया हुआ इस बार। और लगभग 2.5 मिलियन पिलग्रिमेज जो कि रिकॉर्ड था 2019 में, इतने ज्यादा पिलग्रिमेज कहीं पर गए नहीं थे किसी भी होली साइट पर, तो एक्चुअली एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग नंबर सा था। तो रेगुलरली यहाँ पर इसी तादाद में लोग हर साल जाते हैं, तो 2019 में सबसे ज्यादा थे, और इंडिया से भी लगभग 2 लाख पिलग्रिमेज जो है वो गए हुए थे हज परफॉर्म करने के लिए। सो दिस इज व्हाट हैज हैपेंड। देखिए मक्का मदीना दो होली सिटीज हैं बच्चों, आप यहां पर जो देख रहे हैं ना ये ब्लैक कलर का, ये इसे हाउस ऑफ गॉड कहा जाता है, काबा कहते हैं इसे दरअसल मुसलमान, ठीक है। इट इज इन द होली सिटी ऑफ मक्का, मक्का इज द सिटी जहां पर प्रॉफिट मोहम्मद की पैदाइश हुई थी। मक्का से मदीना लगभग 350-400 किलोमीटर दूर है बच्चों। मक्का में जब प्रॉफिट मोहम्मद इस्लाम को प्रोपगेट कर रहे थे, जब वो इस्लाम को सिखा रहे थे लोगों को, तो वहां पर ऑलरेडी पेगन अरब्स हुआ करते थे, तो वो लोग प्रॉफिट मोहम्मद की जान के दुश्मन बने हुए थे, यानी कि वो प्रोपगेट करने नहीं देते थे इस्लाम को। तो उनसे बचने के लिए जब जान का थ्रेट है तो क्या कर सकते हैं, हेल्पलेस, तो व्हाट ही डिड वाज मक्का से होते हुए वो मदीना चले गए हुए थे, और जिंदगी के अपने बाकी ईयर्स वो मदीने में ही बिताए हुए थे। तो मक्का और मदीना दो होली सिटीज है बच्चों, और मदीना ऐसी सिटी है जहां पर प्रॉफिट मोहम्मद का रेस्टिंग प्लेस है, यानी कि उनकी उनके देहांत के बाद उन्हें वहीं पर दफन कर दिया गया था। सो दीज आर टू इंपॉर्टेंट सिटीज। ओके, नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट हम देखेंगे बच्चों और भी इस्लाम के बारे में, हम रिव्यू क्वेश्चंस में जानेंगे, ठीक है, इसीलिए मैंने आज रिव्यू क्वेश्चंस ज्यादातर उसी से रिलेटेड लिए हुए हैं। तो श्रीलंका के बारे में एक रिपोर्ट रिलीज की गई थी बच्चों वर्ल्ड फूड प्रोग्राम वालों ने, ठीक है, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम वालों ने, यूएन का ही एक एजेंसी है बच्चों, तो उन्होंने यही कहा कि लगभग 6.26 मिलियन पीपल श्रीलंका में वो फूड इनसिक्योर है, पता नहीं कि कब तक ये अपना पेट भर सकेंगे। फूड इनसिक्योरिटी अभी तो चल रहा है, अभी तो पेट भर रहा है, लेकिन कब तक, पॉवर्टी हंगर ये बहुत ही डेंजरस सी चीजें हैं दुनिया में जो इंसानों को सता रही हैं बच्चों। तो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम वालों ने यही कहा लेटेस्ट रिपोर्ट में कि 6.26 मिलियन पीपल जो है श्रीलंका में वो फूड इनसिक्योरिटी को फेस कर रहे हैं, और आउट ऑफ कंसर्न सब जो कि वो यही काम करते हैं वर्ल्ड फूड प्रोग्राम वाले, जहां कहीं पर भी भूखमरी हो वहां पर वो मदद करने के लिए जाते हैं। तो उन्होंने टारगेट 3 मिलियन पीपल को रखा हुआ है ताकि हम 3 मिलियन पीपल की मदद कर सकें श्रीलंका में, जो इमरजेंसी फूड, न्यूट्रिशन, स्कूल मील्स वगैरह जो हम प्रोवाइड कर सकते हैं वो हम दिसंबर तक दे सकते हैं 3 मिलियन पीपल को। अब देखिए वो भी कितना काम करेंगे, वो भी डोनेशंस वगैरह पर ही काम चलते हैं, पूरी एक कंट्री को चलाओ ये तो इम्पॉसिबल है, क्योंकि वहां की सरकार ही फेल हो रही है तो ये ऑर्गेनाइजेशंस क्या कर सकेंगे।
तो आंकड़ों में उन्होंने ये भी कहा कि हर 10 में से 3 जो इनसेक्योर हाउसहोल्ड्स हैं उसमें से सीवियर फूड इनसेक्योरिटी वो ऑलरेडी फेस कर रहे हैं, और लगभग 65,600 जो आउट ऑफ टोटल 2 लाख फूड इनसेक्योर हाउसहोल्ड्स हैं, इंडिविजुअल्स नहीं, हाउसहोल्ड्स। अब एक हाउस में 4 लोग हैं, 5 लोग हैं, अभी हाउसहोल्ड्स पर डिपेंड करता है, तो वो ऑलरेडी इमरजेंसी लाइवलीहुड कोपिंग स्ट्रेटजीज यूज कर रहे हैं, यानी कि बाहर जो कहा जहां कहीं पर भी फूड बट रहा है वहां पर जाकर ले रहे हैं, यू नो इमरजेंसी जो राशन वगैरह जो जो चैरिटीज वगैरह दी जा रहे हैं उस पर वो ऑलरेडी डिपेंडेंट है। तो हालत वहां पर बहुत बुरी है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, रिसेंटली श्रीलंका के एनर्जी मिनिस्टर ने भी कहा कि लगभग बस वीकेंड तक ही हमें पेट्रोल मिलेगा श्रीलंका में, उसके बाद पेट्रोल खत्म हो जाएगा। और उन्होंने व्लादिमीर पुतिन को भी रिक्वेस्ट की हुई थी कि अगर आप हो सके तो थोड़ा बहुत जनरस होके हमें फ्यूल जो है वो इंपोर्ट करने की हमें इजाजत दें, कम रेट्स पर या फिर फ्री भी अगर आप थोड़ा बहुत दे सकें तो अच्छा होगा। बहुत बुरी हालत से श्रीलंका गुजर रहा है। लेट अस प्रे कि जल्द से जल्द ये लोग इस ट्रैप से बाहर आ जाएं। एंड नेक्स्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट अपडेट, काशी नगरी में गए हुए हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी जी, वाराणसी त्रिलोक में न्यारी काशी। तो वाराणसी में चंद इम्पोर्टेंट से मल्टीपल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को उन्होंने फाउंडेशन स्टोन जो है वो रखा हुआ था, तो लगभग 1800 करोड़ रुपए के पूरे प्रोजेक्ट्स हैं बच्चों, खासकर सिटी के इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करने के लिए, क्योंकि वन ऑफ द मोस्ट होलीएस्ट साइट्स और सिटीज हैं पूरे दुनिया भर में से भी। वाराणसी में कई हजारों लाखों की तादाद में सिर्फ टूरिस्ट ही जाते हैं देखने के लिए। अगर आप पिलग्रिम सेंटर की बात करेंगे, पिलग्रिम साइट्स, बड़े बड़े जो इंपॉर्टेंट से यहाँ पर मंदिर वगैरह हैं वो तो और वहां पर टूरिस्ट जाते होंगे, तो वहां पर भी ईज ऑफ लिविंग कॉमन मैन की बिजनेस के लिए नहीं, कॉमन मैन की ईज ऑफ लिविंग को भी पुश करने के लिए ये 1800 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट जो है वो अंडरटेक किए गए हुए हैं बच्चों। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, अखिल भारतीय शिक्षा समागम जो है वो एक नेशनल लेवल कॉन्फ्रेंस रखी जा रही है, खासकर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी और उसके इम्प्लीमेंटेशन के बारे में ही यहाँ पर डिस्कशन होगा बच्चों। और अगर आपको याद हो तो पिछले साल हमने देखा कि इंडिया और जापान वालों ने कोऑपरेशन के साथ मिलकर ये रुद्राक्ष इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर ओपन किया हुआ था, तो वहीं पर यह इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस रखी जा रही है, नेशनल कॉन्फ्रेंस में कहूँ, और शिक्षा समागम भी होगा बच्चों, ये भी उसी पार्ट का ही है कॉन्फ्रेंस का, तो लगभग 3 दिन का चलेगा, 7th to 9th July। तो धर्मेंद्र प्रधान जी भी होंगे और सभी इंपॉर्टेंट एकेडमिशियंस वगैरह भी यहाँ पर आएंगे और वो बात करेंगे कि किस तरीके से हम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को इफेक्टिवली इंप्लीमेंट कर सकते हैं, दिस इज वॉट हैज हैपेंड। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, अक्षय पात्रा मिड डे मील्स किचन का भी इनॉग्रेशन वाराणसी में किया, और लगभग 150 सरकारी स्कूल्स को जो है अभी ऑटोमेटिक किचन सेंटर जो है वो फूड प्रोवाइड करेगा बच्चों, मिड डे मील्स, और लगभग यही एस्टिमेट किया जा रहा है कि 1 लाख स्टूडेंट्स के आसपास इससे बेनिफिट पाएंगे। अक्षय पात्रा तो ऑलरेडी कई स्टेट्स में उन्होंने अपनी सक्सेसफुल इम्प्रिंट छोड़ी हुई है, तो अब आहिस्ता से यूपी में भी वो ये अच्छा काम करने की सोच रहे हैं। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने उस मेगा किचन को इंस्पेक्ट भी किया, इनॉग्रेट भी किया, और वहां पर स्टूडेंट्स के साथ भी उन्होंने बातचीत की हुई थी। एंड नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट वाज, यूके के प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन ने कल 10th Downing Street जहां पर वो ऑफिशियली रहते हैं, तो वहां पर वो बाहर आए हुए थे और अपनी रेजिग्नेशन की स्पीच उन्होंने दी हुई थी। लगभग कई स्कैंडल्स इनके सर पर मारे गए थे, यानी कि ऑफकोर्स उनके कार्यकाल में हुए, तो कपल ऑफ मंथ्स से ही ये पूरा कंफ्यूजन स्टार्ट हुआ बच्चों। 40 मिनिस्टर्स और उनके साथी जो थे, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट 3 हाई प्रोफाइल कैबिनेट के मिनिस्टर्स भी उनके क्विट कर चुके हुए हैं यही स्कैंडल्स का बात उन्होंने देकर, तो बहुत बुरी हालत से चल रहे हैं एज ऑफ नाउ बोरिस जॉनसन। अभी किसे सेलेक्ट करेंगे उनका पार्लियामेंट, इसके बारे में क्लैरिटी नहीं है। वो स्पेक्यूलेशंस तो बनाए जा रहे हैं कि इंडियन ओरिजिन राजीव सुनाक जी जो है उन्हें वो बन सकते हैं मोस्टली, लेकिन हमें पता नहीं है बच्चों, क्योंकि गोरे अंग्रेज लोग कब क्या करते हैं ये खुद उन्हें भी पता नहीं होता। तो एज ऑफ नाउ प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन हैज रिजाइंड, और मोस्ट प्रॉबली अक्टूबर तक कुछ ये कंटिन्यू करेंगे टिल न्यू प्राइम मिनिस्टर इज इलेक्टेड, तो दिस इज व्हाट हैज हैपेंड। ओके ऋषि सुनाक जी, ओके आर यू देयर, सैंडल नहीं स्कैंडल है, स्कैंडल। हाउ इज द जॉर्ज बच्चों, क्या कर रहे हो, सेशन को लाइक करो, द रिटर्न विच वी आस्क फ्रॉम यू इज लव एंड सपोर्ट। आपको यूके का प्राइम मिनिस्टर नहीं बनना क्या, आपका नाम भी नॉमिनेट किया जाएगा बच्चों। ओके चलो, सो दैट वॉज द लास्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल।
रिव्यू क्वेश्चंस देख लेते हैं बच्चों। डैश इज ऑल्सो नोन एज कलेक्टिव वॉइस ऑफ मुस्लिम वर्ल्ड। मुस्लिम वर्ल्ड का कलेक्टिव वॉइस इसे कहा जाता है। हाँ, यूके का पीएम ना सही, यूके के विजिट पर ले जाएंगे बच्चों अपने पेरेंट्स को, कहो ठीक है। ओके, सो द करेक्ट आंसर इज ऑफ कोर्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, ओआईसी इज कॉल्ड एज कलेक्टिव वर्ल्ड, कलेक्टिव वॉइस ऑफ मुस्लिम वर्ल्ड। कब एस्टैब्लिश किया गया था बच्चों ओआईसी? इंपॉर्टेंट है। अब इस बीच में तो ओआईसी के साथ इंडिया की झड़प हुई थी रिसेंटली। क्विक, ओके, सो द करेक्ट आंसर इज एक्चुअली 1969 में ओआईसी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन का एस्टैब्लिशमेंट हुआ था बच्चों। हेडक्वार्टर्स कहां पर है ओआईसी का? सेशन को लाइक करो बच्चों क्विक। द रिटर्न विच वी आस्क फ्रॉम यू इज योर लव एंड सपोर्ट। अर्नफ पहले था, पहले इजाजत दी जाती थी, लेकिन जब से सऊदी अरेबिया किंगडम बना हुआ है ना इन 1940s, तब से पता नहीं क्यों सऊदी वालों ने बैन किया हुआ है। नॉन मुस्लिम कैन नॉट विजिट द होली सिटीज ऑफ मक्का एंड मदीना। इससे पहले ऐसा कोई बैन नहीं था, बिल्कुल भी नहीं था। अरे बेस्ट एग्जांपल अगर हम दें तो गुरु नानक सिखिज्म के फाउंडर, वो भी गए हुए थे हज यात्रा पर। कई ऐसे प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज जाते थे, लेकिन सिंस 1940s ही जब सऊदी का किंगडम बनाना नया नया, तो सिंस देन दिस पीपल हैव बैंड, डोंट नो द रीजन व्हाई। ओके, सो द करेक्ट आंसर इज जद्दा है बच्चों। हेडक्वार्टर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन इज जद्दा। OIC का चार्टर कब अडॉप्ट किया गया था? इंपॉर्टेंट है क्योंकि UN के बाद सबसे बड़ा बॉडी यही है, OIC ही है बच्चों। और OIC का चार्टर जो था वो 1972 में अडॉप्ट किया गया था। चार्टर्स आर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन की तरह वो काम करते हैं। इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन कैसा, उसी तरीके से UN का चार्टर, OIC का चार्टर होता है। करंट मेंबरशिप कितनी है बच्चों OIC की? Yes, absolutely right. The correct answer is 57. 57 members hai bachcho. Which of the following is not a member of OIC? OIC ka member nahi hai. Haan, maine already puri video banai hai OIC par. Ek bar jaakar aap dekh lo bachcho. Absolutely right. India nahi hai. India chahta hai bachcho. Full-fledged India lobbying kar raha hai. सिर्फ एक ही स्टेट इंडिया को रोक रहा है, दैट इज पाकिस्तान। बाकी के पूरे जितने भी हैं उन सभी के साथ इंडिविजुअली हमारे बहुत अच्छे रिलेशंस हैं, चाहे सऊदी हो, ईरान हो, इराक हो, यूएई हो, कोई भी ले लो मुस्लिम कंट्री, सिर्फ पाकिस्तान ही लॉबी कर रहा है इंडिया के खिलाफ। पहला समिट जो 1969 में किया गया था OIC का, वो कहां पर था? यस, फर्स्ट इस्लामिक समिट हुआ था रबात मोरक्को, मराकेश जिसे हम कहते हैं, सितंबर 1969 में हुआ था।
यही पर दरअसल सोच दी गई थी कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज बनाना चाहिए, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट से एक बॉडी बच्चों। वैसे तो हर 3 साल में एक बार इस्लामिक समिट होता है जहां पर ये सभी 57 कंट्रीज के हेड जाते हैं, लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट इस्लामिक कॉन्फ्रेंस ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स हर साल होती है, तो वो पहली बार कब हुई थी? ओके, फर्स्ट इस्लामिक कॉन्फ्रेंस ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स वॉज हेल्ड इन 1970 बच्चों। पहले समिट हुआ 69 में, बाद में 70 में उन्होंने फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग रखी हुई थी। फर्स्ट इस्लामिक कॉन्फ्रेंस ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स वॉज हेल्ड एट, कहां पर हुई थी वो मीटिंग? 1970 तो अच्छा है, लेकिन कहां पर? जहां पर हुई थी वहीं पर उसका सेक्रेटेरिएट बनाया गया था बच्चों, जिद्दा में ही हुई थी। जिद्दा में हुई थी और जिद्दा में ही डिसीजन लिया गया कि यहीं पर अब इसका परमानेंट सेक्रेटेरिएट रखते हैं, तो उसका हेडक्वार्टर्स भी जिद्दा में ही रखा गया। करंट सेक्रेटरी जनरल कौन है ओआईसी के, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज? सेशन को लाइक करो बच्चों क्विक। आपको भी आपके घर का जनरल सेक्रेटरी बनाया जाएगा, क्योंकि प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट तो आपके पेरेंट्स ही होंगे, आपके भाई बहन कैबिनेट मिनिस्टर्स, तो आप जनरल सेक्रेटरी तो बन सकते हैं इतना तो। ओके, सो द करेक्ट आंसर इज हुसैन ब्राहिम ताहा, चैड रिपब्लिक के फॉर्मर डिप्लोमैट थे, तो उन्हें बनाया गया बच्चों। उनसे पहले सऊदी अरेबिया के थे यूसुफ अहमद अल उथमाइन जी। The holy pilgrim of Muslims to Makkah is called, हर साल होली पिलग्रिमेज होता है बच्चों, 5 दिन का मक्का को जाते हैं मुसलमान, तो उस होली पिलग्रिमेज को क्या कहा जाता है? जैसा हाँ जब हम चार धाम की यात्रा कहते हैं, हिंदू लोग बद्रीनाथ केदारनाथ जाते हैं ना, तो उसी तरीके से मुसलमान भी मक्का को जाते हैं, तो उस मक्का की यात्रा को हज कहा जाता है, ठीक है, हज। दिस ब्लैक मॉन्यूमेंट, ये एक मस्जिद है बच्चों, ये काबा इसे कहा जाता है, ठीक है, और ये पूरा जो एनक्लोजर आप देख रहे हैं ना, इसे मस्जिद अल हराम कहा जाता है। दरअसल मक्का एक ऐसा सिटी है जहां पर वॉर बैन किया गया है, नॉट फ्रॉम हियर, सिंस एजस नोन, इवन इस्लाम की पैदाइश के पहले से भी मक्का के उस सिटी में, उस रीजन में खासकर वॉर्स नहीं किए जाते थे, इसीलिए मस्जिद अल हराम उसे कहा गया है। जकात जो टर्म हम देखते हैं इस्लाम में, उसका मतलब क्या होता है? हज के बारे में ही बोल रहे हैं तो जकात हज से ही रिलेटेड होगा, थोड़ा बहुत जानो बच्चों। ये ऑफरिंग फाइट, इसे तो नमाज कहते हैं, नमाज पढ़ते हैं ना मुसलमान 5 वक्त, क्या कह रहे हो? जकात इज ऑब्लिगेटरी डोनेशन टू द पुअर बच्चों, सी इज द राइट आंसर। मुसलमान जो कुछ भी कमाता है उसमें से 2% उसे हर साल रमजान के महीने में जो जकात दी जाती है, जो कुछ भी वो कमाता है 2 रुपए उसे हर हाल में मैंडेटरीली उसे गरीबों पर खर्च करना ही पड़ेगा, ठीक है, सो दैट इज कॉल्ड एज जकात। डैश रिप्रेजेंटेड इंडिया 2019 ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉपरेशन फॉरेन मिनिस्टर्स मीट एज अ गेस्ट ऑफ ऑनर। जुम्मा यानी कि फ्राइडे, आज जुम्मा है ना बच्चों, तो आज फ्राइडे है। यस एब्सोल्यूटली राइट, यूएई में हो रहा था तो सुषमा स्वराज जी गई हुई थी, सो सी इज द राइट आंसर। रमजान जो इस्लामिक कैलेंडर है वो कौन सा महीना है?
हिंदुओं के लिए सेपरेट कैलेंडर और क्रिश्चियंस जॉर्जियन कैलेंडर जैसा कि हम रेगुलरली फॉलो करते हैं, तो मुसलमानों का भी अपना एक कैलेंडर है बच्चों, हिजरी कैलेंडर उसे कहते हैं। ठीक है, तो रमजान जो सबसे होलीएस्ट मंथ माना जाता है वो कौन सा महीना है? वैसे तो मुसलमानों के भी 12 ही महीने हैं, लूनार कैलेंडर मोस्टली। तो करेक्ट आंसर इज एक्चुअली 9th, 9 महीना बच्चों, ठीक है, रमजान यहां पर है। अभी जो चल रहा है ना वो जुल हज यानी कि हज का महीना चल रहा है, 12th आखिरी। अब नेक्स्ट न्यू ईयर आएगा मुसलमानों को, दैट इज मुहर्रम। रमजान को और किस नाम से जाना जाता है? रमजान इज ऑल्सो नोन एज देखिए सऊदी में ना रमदान कहते हैं, हम इंडिया में रमजान कहते हैं, ठीक है, पर कुछ भी नहीं है, दोनों एक ही हैं बच्चों। वो एक्सेंट चेंज होता है ना, अमेरिका के एक्सेंट और ब्रिटिश एक्सेंट में फर्क होता है, तो सऊदी के रमदान में और इंडिया के रमजान में उतना ही फर्क है, चेंज नहीं है कुछ भी। यस एब्सोल्युटली राइट, ईद अल फित्र इज ऑल्सो कॉल्ड एज रमजान, ईद अल अजहा इज बकरीद, अभी जो आने वाली है संडे दैट इज बकरीद, ईद अल अजहा। ईद ए मिलाद प्रॉफिट का बर्थडे है बच्चों, होली प्रॉफिट मोहम्मद का। ईद अल मेराज इज एक्चुअली ये एक रात है, बड़ी रात जिसे हम सेलिब्रेट करते हैं, ईद अल मेराज। हाँ, 5 पिलर्स हैं बच्चों इस्लाम के, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन अमॉन्ग देम? मुसलमान बनने के लिए आपको हर हाल में ये 5 चीजें करनी पड़ेंगी। यस एब्सोल्युटली राइट, दाढ़ी रखना मैंडेटरी नहीं है बच्चों, दाढ़ी इज नॉट अ पार्ट ऑफ दैट। देखिए अभी पूछ रहे थे ना 5 पिलर्स क्या हैं इस्लाम के, सबसे पहला है शहादा यानी कि फेथ। अफर्म, देखिए मुसलमान इस्लाम मोनोथेइस्टिक रिलीजन है, मोनोथेइस्टिक मोनो यानी कि एक खुदा में भरोसा करने वाले। सेंट्रल एशिया हो या ज्यादातर जो गल्फ कंट्रीज हम कहते हैं ना, मिडिल ईस्ट वगैरह, वहां पर आपको मोनोथेइज्म ही देखने को मिलेगा। क्रिश्चियनिटी भी मोनोथेइस्टिक रिलीजन है, जुडाइज्म भी मोनोथेइस्टिक रिलीजन है, तो इस्लाम भी मोनोथेइस्टिक रिलीजन ही है। तो सबसे पहला मुसलमानों को बिलीव करना पड़ेगा कि एक ही क्रिएटर है और प्रॉफिट मोहम्मद उनके आखिरी पैगंबर हैं, ठीक है। इस्लाम में जैसा हम जैनिज्म में देखते हैं बच्चों 24 तीर्थंकरास है ना, तो उसी तरीके से इस्लाम में भी 1,24,000 प्रॉफिट्स आए हुए थे। तो ये मानना पड़ेगा कि क्रिएटर एक है और प्रॉफिट मोहम्मद उनके आखिरी पैगंबर यानी कि मैसेंजर है। दूसरा सलाह यानी कि 5 वक्त की नमाज पढ़ना हर दिन, ये मैंडेटरी है हर मुसलमान पर। तीसरा रमजान के महीने में रोजे रखना। चौथा जकात देना, ये भी मैंडेटरी है, 2% जो कुछ भी कमाते हैं वो गरीबों में देना पड़ेगा। और 5th वन पिलग्रिमेज ऑफ हज। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये तीनों तो अच्छी बात है, कोई भी कर लेगा, लेकिन ये लास्ट के दो पैसा होना चाहिए ना करने के लिए। तो 2 ऑप्शनल है, जो अफोर्ड कर सकते हैं वो जकात देते हैं, जो अफोर्ड करते हैं वो हज जाते हैं, जो नहीं कर सकते वो ना करें, कोई बात नहीं, लेकिन ये पहले के 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अभी जैसे कि मैंने कहा कि 1,24,000 प्रॉफिट्स आए हुए थे, तो उसमें से फर्स्ट प्रॉफिट कौन थे? सेशन को लाइक करो बच्चों, क्विक द रिटर्न विच वी आस्क फ्रॉम यू इज लव एंड सपोर्ट। देखो यही गलती करते हो, अभी मैंने कहा आपको प्रॉफिट मोहम्मद थोड़ी ना थे। देखो मोनोथेइस्टिक रिलीज इस्लाम ना क्रिश्चियनिटी जुडाइज्म का सक्सेसर मानता है खुद को, पहले जूश बाद में क्रिश्चियंस और उसके बाद मुस्लिम्स, इन तीनों के मैसेजेस आपको एक ही देखने को मिलेंगे, एक ही खुदा है उसी की इबादत करो। और ये सभी के प्रॉफिट्स मोस्टली सेम ही होते हैं, प्रॉफिट एडम इज द राइट आंसर, जिन्हें मुसलमान आदम कहते हैं, बाबा आदम। आपने कहानी भी सुनी होगी बाबा आदम माहवा की, तो प्रॉफिट एडम एंड ईव, तो ये आपको प्रॉफिट एडम एंड ईव आपको जुडाइज्म में भी देखने को मिलेंगे, क्रिश्चियनिटी में भी और इस्लाम में भी। सो प्रॉफिट एडम इज कंसिडर्ड टू बी द फर्स्ट प्रॉफिट। आखिरी प्रॉफिट कौन थे? द लास्ट मैसेंजर।
नहीं, मक्का को हम मोहम्मद का शहर नहीं कहते, मदीना को हम मोहम्मद का शहर कहते हैं। ठीक है, देखिए सूफीज्म इज ऑफ शूट ऑफ इस्लाम। यहां पर जब मुसलमान इंडिया में आए, यहाँ पर जब मिडिवल टाइम्स में जब वो आए, तो हिंदुइज्म के साथ जब उनकी क्लैश हुई, इस्लाम की हिंदुइज्म की, तो दोनों पर भी प्रभाव पड़ा बच्चों। हिंदुइज्म पर प्रभाव ये पड़ा कि भक्ति मूवमेंट हमें वहां पर देखने को मिली, और मुसलमानों पर प्रभाव ये पड़ा कि सूफीज्म मूवमेंट हमें देखने को मिला। तो सूफीज्म जो है वो ऑफशूट है इस्लाम का। तो एज पर मुस्लिम, प्रॉफिट मोहम्मद इज द लास्ट वन। ठीक है, तो मुसलमानों के लिए मोहम्मद इज नॉट फाउंडर ऑफ इस्लाम, ही इज रिवाइवर ऑफ इस्लाम। जैसा 24 जैन तीर्थंकरास में हम देखते हैं, जो आखिरी थे वर्धमान महावीरा, इज कंसिडर्ड टू बी रिवाइवर ऑफ रिलीजन। तो उसी तरीके से प्रॉफिट मोहम्मद को भी मुसलमान रिवाइवर ऑफ इस्लाम कहते हैं। तो 25 ही हमें पता है मुसलमानों को, वो 1,24,000 में से ना बच्चों, सिर्फ 25 प्रॉफिट्स के बारे में ही हमें पता है, जिनके नाम हमें होली कुरान में देखने को मिलते हैं, और मोस्ट प्रॉब्ली इन सभी के नाम आपको क्रिश्चियनिटी और जुडाइज्म में भी देखने को मिलेंगे। प्रॉफेट मोहम्मद की पैदाइश कहां पर हुई थी? एग्जैक्ट डेट तो हमें बतानी है बच्चों, 560 के अराउंड ईयर कहा जाता है। तो मक्का में उनकी पैदाइश हुई थी। ठीक है, होली सिटी ऑफ मक्का, यहां पर अल मस्जिद अन नबवी, अभी जो आपने देखी मस्जिद, इसे मस्जिद अल हराम कहते हैं बच्चों, इसे मस्जिद अल नबवी कहते हैं। ये ग्रीन डोम आपको दिख रहा है ना, दरअसल दिस इज एक्चुअली टूम्ब ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद। जब उनकी डेथ हो गई तो उन्हें यहीं पर बरी किया गया, तो मक्का जाने वाले हर कोई यहां पर जाते हैं। दरअसल अल मस्जिद अन नबवी इज एक्चुअली इज इन मदीना, नॉट इन मक्का। मक्के में काबा है, मदीने में मस्जिद अन नबवी है। तो मदीने को मोहम्मद का शहर कहा जाता है। बी इज द राइट आंसर। ओके, आई थिंक दैट वाज मोर देन इनफ टू नो समथिंग अबाउट इस्लाम। नॉलेज रखनी चाहिए बच्चों आपको, बहुत ही जरूरी है, क्योंकि हम आइसोलेटेड दुनिया में नहीं जीते। चाहे आप हिंदू हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, आपको जरूरी है कि आप अपने फेलो पर्सन का रिलीजन क्या है उसके बारे में भी थोड़ा बहुत जाने। जब तक हम जाने नहींगे तब तक हमें पता कैसे चलेगा। ठीक है, इंडिविजुअली तो घर में बैठकर ना आप अपने दीवारों के बीच, हम ही महान होते हैं, कौन सी बड़ी बात है। लेकिन जब हम किसी दूसरे के बारे में भी एक्सप्लोर करने जाते हैं, तो हमें पता चलता है कि अरे हम ही नहीं, वो भी महान है। तो वी विल एक्सप्लोर समथिंग, जहां कहीं से भी अच्छी चीज मिल रही है वहां से हमें सीख लेना चाहिए। दिस इज वॉट आई बिलीव। सो दैट इज द लास्ट इंपॉर्टेंट रिव्यू क्वेश्चन, क्वेश्चन ऑफ द डे मैं दे दूंगा बच्चों। और क्वेश्चन ऑफ द डे भी इस्लाम से ही जुड़ा हुआ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हिजरी ईयर विच मार्क्स द इस्लामिक लूनर कैलेंडर स्टार्ट्स फ्रॉम, अभी जो 12 महीने हमने देखे ना, वो पहले ये कैलेंडर कब से शुरू हुआ है? 612 AD, 622 AD, 632 AD या 642 AD। तो पहले जानिएगा दरअसल ये हिजरी वर्ड क्या होता है, और क्यों इस्लाम मुसलमान जो है वो हिजरी कैलेंडर को फॉलो करते हैं। कल के सेशन में आपको इसका आंसर देगा। बिफोर यू लीव दिस ऑल द कोर्सेस, एक बार जाकर चेकआउट करो, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइसेस में टेस्ट सीरीज की फैसिलिटी भी अवेलेबल है बच्चों। सो लेक्चर का पीडीएफ सबसे पहला ऐप में ही मिल जाएगा, उसके बाद वेबसाइट से भी आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। एंड वॉरियर 10 इज अ कोड विच यू शुड यूज सो दैट यू गेट 10% डिस्काउंट। मीट यू इन द नेक्स्ट सेशन, अंटिल देन स्टे हेल्थी, स्टे सेफ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई लेक्चर। जय हिंद।